गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपनी बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी के साथ, ग्रेनोला रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाने का प्रोसेस। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपनी वो रेसिपी लेके जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे कुछ समय पहले डाली थी, पोस्ट की थी, और लोगों ने, मेरे सारे व्यूअर्स ने उसको इतना पसंद किया और मेरे को कमेंट्स दिए कि मैं उसको बताऊं, आपके साथ शेयर करूं कि वो मैंने कैसे बनाई है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वो रेसिपी रिवील करती हूं कि मैंने वो डिश कैसे प्रिपेयर की थी। तो आज मैं आप सभी के सामने बनाने जा रही हूं अपनी डिश जो कि हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं, वो है ग्रेनोला। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ग्रेनोला बनाने की रेसिपी। सबसे पहले मैंने लिया है प्लेन हाफ कटोरी दही, वाइट दही, इजीली अवेलेबल हो जाएगा, चाहे वो घर का हो या अमूल का हो, मदर डेरी का हो, जो भी आपके पास अवेलेबल। फिर मैंने एक कटोरी दही लिया है, उसमें मैंने एक चम्मच पाउडर शुगर डाल दिया है और उसको अच्छे से देखिए बीट कर दिया है। एंड दिस इज द मेन इन्ग्रीडियंट जो कि है ग्रेनोला केलॉग्स का। ये आपको ईजीली अवेलेबल हो जाएगा कहीं भी। थोड़ा सा गार्निश के लिए मैंने किशमिश ली है, रेजेंस लिए हैं, मेरे पास यही अवेलेबल थे। आप चाहे तो नट्स भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। ये दो ग्लास हैं जिसमें हम ग्रेनोला बनाने वाले हैं। एंड दिस इज पाउडर शुगर थोड़ी सी। एंड एक बाउल में मैंने पानी लिया है, देखिए बहुत स्लाइटली, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी मैंने क्यों लिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी सिरप डालेंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों, हर्शीज का आता है, हर्शीज, ये हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे प्लेन योगर्ट में। तो दोस्तों, इस हर्शी सिरप को हम अपने प्लेन योगर्ट में डालने के बाद अच्छे से बीट करेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। सो फ्रेंड्स, हमने इसको बीट अच्छे से कर लिया है। आप चाहें तो इसमें नेचुरल स्ट्रॉबेरी डाल के भी, मिक्सर में ग्राइंड करके भी उसको बीट कर लें और फिर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिरप डाल दिया है जो कि आपको इजीली सुपरमार्केट में अवेलेबल हो जाता है। सो चलिए देखते हैं दोस्तों, अब इस वाटर का जो हमने थोड़ा सा इस बाउल में लिया है उसका यूज़ किया है। सो हम ऐसे ग्लास उठाएंगे, बहुत स्लाइटली सा प्रेशर, ज़्यादा नहीं डालना है हमें ग्लास पे, पानी में हल्का सा डिप करेंगे और इसको ऐसे थोड़ा सा कर लेंगे ताकि पानी सारा निकल जाए नीचे। और फिर अब हम इस पाउडर शुगर में इसको ऐसे करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, लग रहा है ना सुंदर, एक बार फिर दिखाती हूं, हल्का सा ऐसे डिप करेंगे, प्रेशर ज्यादा नहीं देना है, ऐसे झाड़ लेंगे इसको और फिर इसको एक बार हम देखिए राउंड राउंड घुमाते हुए ऐसे लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना स्ट्रॉबेरी योगर्ट डालेंगे इसमें। बहुत इजी दोस्तों रेसिपी है ये, कुछ ही मिनट्स में बन जाती है और वेरी हेल्दी है ब्रेकफास्ट के लिए। आप चाहें तो इसको डेली भी खा सकते हैं। वैसे ग्रेनोला आप चाहें तो प्लेन दही में भी खा सकते हैं, उसमें सारे फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और हल्की सी शुगर डाल के आप उसको खा सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आप खाएंगे तो आई एम श्योर दोस्तों ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब हम इसमें अपना मेन इन्ग्रीडियंट डालेंगे केलॉग्स का ग्रेनोला। बहुत इजीली मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाता है, आयरन, प्रोटीन, फाइबर सबसे ये युक्त होता है और कोलेस्ट्रॉल फ्री भी होता है। ये देखिए, आई एम श्योर जब आप इसको घर में एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। आप चाहे तो इसमें फ्रूट ऐड कर सकते हैं, बट इसको इसी तरीके से खाने का जो मज़ा है ना,
आई थिंक वो फ्रूट्स में नहीं आता है। दो मैंने इसको ट्राई किया है, बट आप भी एक बार कर सकते हैं। मुझे बहुत कमेंट्स आए थे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत लाइक किया है कि अपनी एक बार ये रेसिपी ज़रूर 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 बताएं। सो मेरे को बहुत सारा प्यार मिला फेसबुक के पेज पे, बहुत सारे लाइक मिले, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स मिले, तो आई थॉट मेरे को रिवील कर ही देना चाहिए इस रेसिपी को। सो फ्रेंड्स, अब इसमें हमने जो प्लेन दही में हमने शुगर मिलाई थी 1 टेबल स्पून और उसको बीट किया था, अब वो ऐड करेंगे। ये देखिए, सो फ्रेंड्स अब ऐड करते हैं इसमें हमारी बेरीज एंड किशमिश। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट सिरप भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, टेस्ट होता है अपना अपना, बट आई एम श्योर आप इसको एक बार खाएंगे तो बहुत पसंद आएगा। प्लीज ट्राई करिएगा और मेरे को कमेंट में लिख के बताइएगा कि जिस रेसिपी को आपने फेसबुक के पेज पे इतना लाइक किया है वो आपको खाने में और ट्राई करके बनाने में कैसी लगी। आप चाहें तो इसमें नट्स भी डाल सकते हैं, एक आधी नट्स मैंने भी यूज किया है। सो लेट्स सी आपके किस तरीके के कमेंट आते हैं मेरे को। लीजिए दोस्तों, हेल्दी ब्रेकफास्ट ग्रेनोला सर्व करने के लिए एकदम रेडी है, इंजॉय इट। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी बनाई रेसिपीज पसंद आई है और बाकी की रेसिपी भी पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, बाय बाय।